दैनंदिन जीवन में योग। स्वामी ब्रह्मेशानंद, प्रथम भाग, पंचम अध्याय, चित्त की क्रियाएं और क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियां। चित्त की क्रियाएं। चित्त में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, प्रथम प्रत्यय, द्वितीय संस्कार। चेतन मन पर जो वृत्तियां, विचार, भावनाएं इत्यादि उठती रहती हैं, उन्हें प्रत्यय भी कहा जाता है। जैसे ध्यान की परिभाषा में कहा गया है, तत्र प्रत्ययैकतानवता ध्यानम, अर्थात हृदय, भ्रूमध्य आदि किसी एक स्थान पर एक ही प्रकार की वृत्ति या विषय को निरंतर बनाए रखना ध्यान है। चित्त की दूसरी क्रिया है संस्कार। चेतन मन पर जो भी प्रत्यय उठते रहते हैं, जो भी वृत्तियां उठती रहती हैं, उनके संस्कार चित्त भूमि में पड़ते हैं। ये संस्कार भी दो प्रकार के होते हैं, व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार। सामान्यतः अप्रशिक्षित मन में व्युत्थान संस्कार ही मुख्य रूप से रहते हैं। व्युत्थान का अर्थ है उठना, बहिर्मुखी होना, क्रियाशील होना इत्यादि। क्षिप्त और विक्षिप्त भूमि युक्त चित्त में व्युत्थान संस्कार ही रहते हैं। ये संस्कार चेतन मन को चंचल बनाए रखते हैं। चित्त वृत्तियों को थोड़ा निरुद्ध करने का प्रयत्न करने पर मन भले ही थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, पर वह व्युत्थान संस्कारों के कारण पुनः चंचल और बहिर्मुखी हो जाता है। चित्त वृत्ति निरोध, इंद्रिय संयम, वासना त्याग, भगवान नाम का एकाग्रता के द्वारा जप आदि साधनाओं के कारण जो मन संयम होता है, उसके कारण चित्त भूमि में निरोध संस्कार पड़ते हैं। ये धीरे धीरे व्युत्थान संस्कारों को दूर करते रहते हैं। एक प्रतिष्ठित योगी में दीर्घ अभ्यास के कारण निरोध संस्कारों का प्राबल्य होता है। इन संस्कारों के कारण योगी स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी होता है और बाह्य क्रियाकलाप के बाद आसानी से ध्यानस्थ हो जाता है। योग साधना का उद्देश्य केवल कुछ समय के लिए मन को एकाग्र करना मात्र नहीं है। चित्त की भूमि को निरोध के संस्कारों के माध्यम से पूर्ण रूप से परिवर्तित करके यथासंभव एकाग्र भूमि में परिणत करता है। अंततः इन संस्कारों का भी निरोध करना योग का लक्ष्य है। पातंजल योग सूत्र में इन प्रत्ययों एवं संस्कारों के निरोध के अनुसार विभिन्न समाधियों का वर्णन है। जिन समाधियों में केवल चित्त के ऊपर उठ रहे प्रत्ययों का निरोध होता है, संस्कारों का नहीं, वे संप्रज्ञात समाधियां कहलाती हैं। प्रज्ञा का अर्थ चित्त में चेतन स्तर पर विद्यमान ज्ञान है। संप्रज्ञात समाधियां चार प्रकार की होती हैं और इन सभी में चित्त के चेतन स्तर पर प्रज्ञा और एक वृत्ति प्रवाह बना रहता है। साथ ही निरोध संस्कार भी चित्त की गहराई में रहते हैं। इसके आगे वाली अर्थात असंप्रज्ञात समाधि में चित्त के ऊपर अर्थात चेतन भाग में कोई वृत्ति प्रवाह नहीं होता, सभी वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं। तब क्या बचता है? केवल निरोध संस्कार रहता है। अतः ऐसी समाधि असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। लेकिन इन दोनों प्रकार की समाधि में चित्त में कुछ न कुछ, चाहे वृत्ति प्रवाह तथा संस्कार या केवल संस्कार, तो रहता ही है। अतः इन दोनों को सबीज समाधि कहा जाता है। परंतु जब निरोध संस्कारों का भी निरोध हो जाता है, तब चित्त की सतह पर और गहराई में दोनों में कुछ नहीं रहता, अतः इसे निर्बीज समाधि कहते हैं। यह योग की उच्चतम स्थिति है। इसके बाद योगी का व्युत्थान संभव नहीं है। वह इस समाधि से पुनः जागृतावस्था में नहीं लौटता और सदा के लिए मुक्त हो जाता है। श्री रामकृष्ण की भाषा में
उसका शरीर 21 दिन में छूट जाता है। क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां, 5 प्रकार की वृत्तियों के वर्णन के बाद अब क्लिष्ट और अक्लिष्ट, कष्टकर और जो कष्टकर ना हो वृत्तियों पर विचार करते हैं। अगर आपको बुरा दृश्य दिखा, आपका मित्र बीमार हो गया, तो ऐसी सत्य वृत्ति आपके मन में उठ रही है। यह सामान्य भाषा में कष्टप्रद है, लेकिन सांख्य योग की दृष्टि से इसका अर्थ है जो क्लेश से संबंधित हो। क्लेश 5 प्रकार के हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। वेदांत में अविद्या का अर्थ अज्ञान है, हमारे स्वरूप के संबंध में, जगत के संबंध में, जीवन के लक्ष्य के संबंध में अज्ञानता। अस्मिता, हमारी बुद्धि में जो विचार उठ रहे हैं वे हमसे भिन्न हैं। बुद्धि के साथ जब मन संयुक्त होकर बुद्धि में उठ रही वृत्तियों के साथ संयुक्त होकर कहता है कि मैं वक्ता हूँ, मैं श्रोता हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं सन्यासी हूँ, तो यह मैं का बुद्धि के साथ जुड़ना अस्मिता कहलाता है। अस्मिता अर्थात इगोइज्म, राग अर्थात आसक्ति, द्वेष जिसे हम नहीं चाहते उसके प्रति ईर्ष्या भाव, अभिनिवेश अर्थात जीने की इच्छा। कैंसर हो जाए, बूढ़े हो जाए, डायलिसिस पर हो, तो भी 2-4 दिन और जीने की इच्छा करते हैं। कोई मरना नहीं चाहता, यह भी एक क्लेश है। ये 5 क्लेश जन्म मरण के चक्कर को बढ़ाते हैं, हमारी मुक्ति नहीं होने देते, कैवल्य के स्वरूप की प्राप्ति नहीं होने देते, और जो दृष्टा है उसको स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होने देते, जो योग का लक्ष्य है। जो भी वृत्तियां इन 5 क्लेशों को वर्धित करती है उन्हें क्लिष्ट वृत्तियां कहते हैं, और जो रोकती है उन्हें अक्लिष्ट वृत्तियां कहते हैं। योग शास्त्र ऐसे सुख में विश्वास नहीं करता जो केवल विषयों से प्राप्त हो। योग की दृष्टि से दुख तो दुख है ही, परंतु सुख भी 4 कारणों से दुख है। पहला है परिणाम, भोगे रोग भयम्, भोग में रोग का भय है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि छोटे छोटे भोग करके उनसे मुक्त हो जाओ, जितना भोग करेंगे उतना रोग होता है। रात को रसगुल्ला खाया और सवेरे पेट खराब हो गया। दूसरा है तप, भोग पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जैसे ऑफिस में 8 घंटे बैठना। तीसरा है संस्कार, भोग की आदत, नहीं मिलेगा तो कष्ट होगा। चौथा है गुणवृत्ति विरोध, मन कुछ कहता है और शरीर उस स्थिति में नहीं है। खाने की इच्छा है परंतु डॉक्टर ने मना किया दिया तो दुखी हैं। यह है गुणवृत्ति विरोध। अतः जो सुख है वह भी विचारशील व्यक्ति के लिए दुख है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 वृत्तियां दोनों ही तरह की हो सकती है। वे क्लिष्ट वृत्ति हो सकती है। आपका फोटो खींचा, आपने देखा, अच्छा लगा, इसमें हमारा मैं बढ़ गया, आपकी फोटो से अविद्या बढ़ी, यह क्लिष्ट वृत्ति हो गई। आपने भोजन किया पर कल की चिंता की अब कब मिलेगा, इससे राग बढ़ गया। आपको कहीं सम्मान मिला, अब आपके मन में आता है कि अब कब मिलेगा, इससे आपके मन में द्वेष बढ़ गया। इसके विपरीत संत के पास जाकर उनकी बातें सुनने से भिन्न वृत्तियां उठती हैं। ये अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। यह है प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति। दूसरी है अनुमान प्रमाण, जैसे रामकृष्ण आश्रम के बाहर बहुत सारी कारें खड़ी हैं, तो आपने अनुमान लगाया कि अंदर सत्संग हो रहा है। यह अनुमान अक्लिष्ट वृत्ति है। इसका संबंध धर्म, अध्यात्म, भगवान से है। तीसरा प्रमाण है आगम प्रमाण। रामायण, बाइबल, वेद, पुराण, इनसे उठने वाली वृत्तियां भी अक्लिष्ट होती हैं।
इनके विपरीत आधुनिक आगम शास्त्रों से क्लिष्ट वृत्ति उठती है। लोग फ्रॉइड को भी प्रमाण के रूप में पढ़ते हैं। वे कहते हैं कि काम ही सबसे प्रबल है, काम का भोग करना ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है, या फिर मैनेजमेंट के शास्त्रों के अनुसार पैसा कमाना, इनसे क्लिष्ट वृत्ति उठती है। इस प्रकार आगम प्रमाणों से भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों ही तरह की वृत्तियां उठती हैं। हमारा उद्देश्य इन मनोवृत्तियों को दूर करना, परंतु सभी वृत्तियों को एक साथ दूर करना आसान नहीं होता। इसलिए पहले आप क्लिष्ट वृत्तियों को दूर करें, बाद में अक्लिष्ट वृत्तियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी। दूसरी वृत्ति है विपर्यय, मिथ्या ज्ञान, जैसे रस्सी में सांप। यह भी दोनों ही तरह का होता है। रस्सी में सांप का आभास होते ही हमारा राग द्वेष बढ़ गया, यह है क्लिष्ट। इसके विपरीत मंदिर में जाते ही हम मूर्ति को भ्रम पूर्वक भगवान कहते हैं, लेकिन यह भ्रम कितना अच्छा है। पत्थर को शिव समझकर पूजा करते करते वहां पर शिव प्रकट हो जाते हैं। पंचदशी, जैसे वेदांत के शास्त्रों में दो प्रकार के भ्रम कहे गए हैं, प्रथम संवादी भ्रम और दूसरा विसंवादी भ्रम। एक कमरा है और उसके छेद में से प्रकाश आ रहा है। रास्ते जाते व्यक्ति को भ्रम हुआ कि वहां मणि पड़ी हुई है। पास में गया तो अंदर एक दीपक जल रहा था। दीपक के प्रकाश को मणि समझा और यदि दैव योग से वह प्रकाश मणि का ही हो तो वास्तव में मणि ही मिल गई। इसे कहते हैं संवादी भ्रम, अर्थात जिस भ्रम के पीछे सत्य विद्यमान हो। चैतन्य महाप्रभु ने समुद्र को देखा तो यमुना नदी की याद आ गई। उनके मन में तो श्री कृष्ण और यमुना का ही विचार चल रहा था। गोपियों को भी भ्रम होता है, ऐसा भ्रम हो तो हम सीधे भगवान के पास चले जाएं, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। रास्ते में एक ठूंठ खड़ा है, चोर ने देखा तो लगा कि पुलिस खड़ा है, पुलिस ने देखा तो लगा चोर खड़ा है, भक्त ने देखा तो लगा भगवान खड़े हैं। ठूंठ ने भगवान का स्मरण करा दिया, यह अक्लिष्ट विपर्यय है। क्लिष्ट विपर्यय के बहुत से दृष्टांत हैं। पानी का आभास हुआ, पास जाकर देखा तो रेगिस्तान है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे मन की वृत्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम जो भी वस्तु देखें उसमें भ्रम भी हो तो भगवान का भ्रम हो, शुभ भ्रम हो, जिससे हमारी अविद्या दूर हो। तीसरा है विकल्प, कल्पना। कहा गया है शब्द ज्ञानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, अर्थात शब्द से उत्पन्न लेकिन उसके पीछे वस्तु नहीं है, यह कल्पना कहलाती है। जब आप उपन्यास पढ़ते हैं तो आपके मन में चित्र बनता जाता है। अगर आप रामायण महाभारत पढ़ रहे हैं तो आपके मन में भी वैसी ही चित्र बनता चला जाएगा। सारी की सारी लीला आपके मन में आती चली जाएंगी, यह पूर्ण रूप से कल्पना है। इसमें देश और काल का कोई संबंध नहीं है। कल्पना में वृंदावन चले जाइए, आपके मन में श्री कृष्ण की लीला आएगी। लेकिन इन कल्पनाओं से आपके मन का राग द्वेष अभिनिवेश कम होगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि क्लिष्ट कल्पनाएं उतनी ही बुरी है जितना बुरा कर्म करना है। अक्लिष्ट कल्पना करके हम जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अपने इष्ट के साथ कल्पना में रहना भी शुभ है, इसे लीला चिंतन कहते हैं। ध्यान भी एक प्रकार की कल्पना ही है, चतुर्थ निद्रा। यह भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार की होती हैं। स्वप्न सहित स्वप्न रहित निद्रा। स्वप्न भी दो तरह के होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। स्वप्न रहित सोने का भी एक तरीका है। सोने से पहले अशुभ या पाप पूर्ण चिंतन न करके भगवान का जप करके सोएं या भजन की कैसेट सुनकर सोएं। आप देखेंगे कि कैसेट समाप्त होने के बाद भी आपके मन में भजन सवेरे उठने तक चल रहा है।
क्योंकि अचेतन मन में वह निरंतर चलता रहा था। सही नींद सोना भी पुण्यों से मिलता है। इस तरह से हम निद्रा को भी क्लिष्ट या अक्लिष्ट बना सकते हैं। पांचवी वृत्ति है स्मृति। हमारे जीवन में बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। कहते हैं एक बुरे आदमी का भी भविष्य अच्छा हो सकता है। आप गुजरी बुरी बातों का चिंतन ना करें, उसे पूर्ण रूप से भूल जाए, आप शुभ चिंतन करें। कहा गया है पूर्व कृतानाम दुरितानाम चिंतनम सर्वतो भावेन परिवर्जनीयम। आप कहेंगे कि इनका प्रायश्चित होना चाहिए। यदि आप उसका स्मरण नहीं करते हैं तो प्रायश्चित भी आवश्यक नहीं है। एक बार ईसा मसीह के पास एक महिला को गांव के लोग लेकर गए। उन्होंने कहा कि यह पापिनी है, ऐसे लोगों के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि पत्थर से मारो, आप क्या कहते हैं? इस पर ईसा मसीह ने पुराने शास्त्रों का खंडन न करते हुए कहा कि वे ही लोग इसको पत्थर मारें जिन्होंने कोई पाप नहीं किया हो। यह बात सुनकर एक एक कर सभी लोग खिसक गए। बुजुर्ग तो सबसे पहले निकले। हम जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं हमारी पाप की गठरी बढ़ती चली जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सभी चले गए और महिला खड़ी रही तो उन्होंने महिला को कहा कि तुम भी चली जाओ, सभी ने माफ कर दिया है, मैं भी तुम्हें माफ करता हूँ, किंतु ऐसा दोबारा मत करना और जो किया है उसका विचार भी मन में मत लाना। इसलिए प्रायश्चित भी आवश्यक नहीं है। यदि हम अतीत का बुरा पूर्ण रूप से भूल जाएं, श्री रामकृष्ण कहते हैं कि पापी पापी कहते कहते हम पापी हो जाते हैं, इसलिए स्मरण करना हो तो शुभ वृत्तियों का करें। पहले क्लिष्ट वृत्तियों को दूर करें। चित्त वृत्ति निरोध बहुत दूर की बात है।